मुंगेर के बरियारपुर थाना परिसर में बीती रात एक होमगार्ड जवान मोहम्मद जाहिद द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवान की मौत हो गई। इस फायरिंग को पुलिस ने आपराधिक मामला समझकर इस पर कार्रवाई की। वहीं इस मामले में मुंगेर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि होमगार्ड का एक जवान मोहम्मद जाहिद, जो इन दिनों काफी डिप्रेशन से चल रहा था, वह अर्धरात्रि में लगभग 12:15 बजे अपने बैरक से निकलकर थाना परिसर स्थित शौचालय में गया और उसने अचानक से गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसे पुलिस द्वारा थाना पर आपराधिक नक्सली घटना समझकर कार्रवाई की गई और उसमें होमगार्ड जवान की मौत हो गई। इस घटना की सूचना विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ साथ मुंगेर के जिलाधिकारी रचना पाटिल, मानव आयोग आदि को दी गई। वहीं इस संदर्भ में एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी देखरेख में होमगार्ड मोहम्मद जाहिद के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं एसपी ने पत्रकारों को आगे क्या कुछ कहा, सुने। तो हम लोगों ने की है, जो उसके बाकी सहकर्मी थे, तो पता चला है कि ये कुछ मानसिक तनाव में था। हालांकि कल सारा दिन ड्यूटी किया भी है, कैदी स्क्वाड का भी ड्यूटी गया है और रात में खाना खा के अपने बैरक में सोने के लिए चला गया था। अर्जन चेज 12:15 बजे पहले उसने बैरक में फायरिंग किया, फिर बाकी जगह पर शौचालय की तरफ भागा है और लोगों बाकी सहकर्मी के ऊपर फायरिंग करने का प्रयास किया है उसने। तो पता चला कि कुछ मानसिक तनाव में चल रहा था। कल उसके परिवार वाले भी उसको मिलने के लिए आए थे और बाकी मामले की हम लोग जाँच करवा रहे हैं। पुलिस की साइड से कितनी गोलियां चलाई गई? पुलिस की साइड से तकरीबन 23 गोलियां चली और इसकी तरफ से 10 गोलियां चली। कुल 35 गोलियां, 38 गोलियां चली। जी, इसी के ऊपर जो गृह रक्षक है, अटेम्प्ट टू मर्डर 27 आर्म्स एक्ट में हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर थाना अध्यक्ष के आवेदन पे हुआ, थाना अध्यक्ष से सूचक करेंगे। ये कोई सरकारी कार्य के निष्पादन के क्रम में मृत्यु नहीं हुई है, उसके द्वारा एक आपराधिक क्रम किया गया है, इसलिए उसको कोई पारिवारिक लाभ या अनुकंपा उसका कोई भी लाभ दे नहीं होगा। ये मान सकते पूरे थाना की घेराबंदी किया गया, आसपास के जो लोग थे, रिहायशी जितने भी घर थे, वहाँ पे लोगों को सुरक्षित बोला गया कि आप अपने कमरों में रहो। सभी छतों के ऊपर पुलिस बल को लगाया गया ताकि किसी की जान माल की क्षति ना हो। फिर थाना परिसर के प्रत्येक कमरा उसकी तलाशी ली गई, ये पता करने के लिए कि फायरिंग किस कमरे या कहाँ से हो रहा है। इसी बीच पता चला कि फायरिंग थाना परिसर में अवस्थित जो शौचालय और स्नानागर का कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से फायरिंग हो रहा है, रुक रुक के फायरिंग किया जा रहा है। तुरंत उसकी घेराबंदी की गई और लाइटिंग से पूरे एरिया को हम लोगों ने रोशन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारा होता है अनाउंसमेंट सिस्टम होता है मेगाफोन, उसके माध्यम से बार बार अनुरोध और अपना हथियार फेंक दो, लेकिन निरंतर रुक रुक के उसके द्वारा रक्षे करके स्टाफ और जो जिस तरह फैमिली क्वार्टर और बैरक है उसके ऊपर फायरिंग किया जा रहा था अंदर से। इसमें बीच में पता चला कि एक ही व्यक्ति है और उसके पास बड़ा राइफल है, क्योंकि अंधेरा था। फिर अचानक तकरीबन 1:30 बजे वो व्यक्ति बाहर निकला और बैरक की तरफ दौड़ने का प्रयास किया और फायरिंग करते हुए दौड़ा है वहाँ से। इसी में फिर जवाबी कार्रवाई जो पुलिस की हुई उसमें गोली चलाया गया, जिसपे जो अपराधी है वो तत्कालीन रूप से वहीं पर घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। तो उसके बाद पूरे एरिया को सर्च किया गया और जब उस व्यक्ति की पहचान कराई गई तो पता चला कि वो थाना का ही गृह रक्षक है, जिसका नाम है मोहम्मद जाहिद, जो कि बाकरपुर मुफस्सिल का रहने वाला है। घटनाक्रम ये है कि कल तकरीबन 12:15 बजे मध्य रात्रि में थाना से विदंतु के माध्यम से और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बड़ियारपुर थाना के ऊपर फायरिंग हो रहा है, लगता है कि उग्रवादी हमला हो गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम लोगों तुरंत हरकत में आए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक विहान मेरे नेतृत्व में और आसपास के जो चार थाना थे, चार थानावर्ती पूरे दलबल के साथ हम लोग तुरंत वहां पर पहुंचे। तब तक वहां पे निरंतर रुक रुक के फायरिंग चल रहा था, थाना परिसर के अंदर फायरिंग चल रहा था। कितना देर पहले सर? 4 मिनट पहले, 4 से 5 दिन पहले वो थाना में गया है। और जो राइफल है, जो उसको राइफल इशू हुई है 303 राइफल में, टोटल उसको 50 राउंड इशू हुए थे, जिसमें 10 राउंड उसने फायर किया था, 40 राउंड हम लोगों ने सीज कर दिए घटनास्थल से, जो कि उसके बिंदोलिया में थे, और वो अपनी निर्गत राइफल से ही फायरिंग कर रहा था। उसके पश्चात हम लोगों ने पहचान कराने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है वो हम लोगों ने की। मजिस्ट्रेट साहब को, सभी वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी, FSL के द्वारा उसकी जाँच की जा रही है, क्योंकि मामला पुलिस मुठभेड़ का है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो निर्धारित मापदंड या निर्देशिका है उसके अनुरूप हम लोग सारी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। उसका जो पोस्टमार्टम है मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी करवाई जा रही है और इसकी पूरी निष्पक्ष मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोगों ने अनुरोध कर